हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिर्ज़ा वक़ार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन। आज रोटा वायरस वैक्सीन के ऊपर अपना वीडियो लेके हाजिर हूँ। दोस्तों, डायरिया का जो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज है अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज और इन्फेंसी में, वो रोटा वायरस माना जाता है। इसके अलावा भी बहुत डायरिया के कॉजेज हैं, बैक्टीरियल भी हो सकता है, एमीबिक भी होता है, फंगल डायरिया भी हो सकता है, बट जो मोस्ट कॉमन कॉज जिसकी वजह से इंडिया में लाखों बच्चों की जान हर साल जाती है, वो है रोटा वायरस। और खुशी की बात यह है कि अब रोटा वायरस वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में भी लग रहा है। पहले ये प्राइवेट सेक्टर में ही लगता था और मैं हमेशा यही कहता था कि जो डायरिया से यूजुअली जो डेथ्स होती हैं वो यूजुअली पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटा में होती हैं और उन बच्चों को ये वैक्सीन नसीब नहीं हो पाती थी। तो अब जब से पिछले 2017 से 2016 से मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये लग रही है और अब ये सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में 4-6 हफ्ता, 10 हफ्ता और 14 हफ्ते के पेंटा वैक्सीन के साथ ये रोटा वायरस की वैक्सीन दी जा रही है। अगर हम लोग डिजीज़ बर्डन देखें तो तकरीबन मोर देन 1 लाख डेथ्स हर साल इंडिया में जो है वो 1 साल से कम के बच्चों की जो होती है वो रोटा वायरस के डायरिया की वजह से होती है। और इसमें जाहिर सी बात है सीवियर वाटरी डायरिया होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, फीवर हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है और अल्टीमेटली डिहाइड्रेशन के कारण बच्चे की जान चली जाती है। मैं डायरिया के ऊपर अपना पहले भी वीडियो बना चुका हूं, तो आप लोग डायरिया से बचाव कैसे करेंगे, डायरिया का ट्रीटमेंट करेंगे कैसे करेंगे, ओआरएस कैसे होगा, कैसे बनाया जाएगा, इन सब के ऊपर मेरे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं। आज जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आ रही थी कि रोटा वायरस वैक्सीन मेरे बच्चे को, मान लीजिए 3 डोजेज़ हैं, 2 लगी हैं, तो मैं क्या करूं, दूसरी वैक्सीन कब लगाऊं, या मेरे बच्चे ने शुरू में वैक्सीन नहीं लगवाई है, अब मेरा बच्चा 6 महीने का है तो मैं उसको वैक्सीन लगवाऊं कि नहीं लगवाऊं। तो इन्हीं सब को लेके मैंने सोचा कि लोगों के डाउट्स क्लियर कराए जाएं, क्योंकि ये वैक्सीन ऐसी नहीं कि आप कभी भी लगा सकते हो, उसका एक पर्टिकुलर एज है जिसमें आप इसको लगा सकते हैं और एक पर्टिकुलर एज है जिसके बाद आप इसको नहीं लगा सकते। तो रोटा वायरस बेसिकली एक लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है। लाइव एटीन्यूएटेड का मतलब होता है कि लाइव वायरसेस होते हैं जिनकी पोटेंसी को बिल्कुल निष्क्रिय कर दिया जाता है, कि मतलब आपकी बॉडी में जाके कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बट दे आर लाइव वायरसेस और जाके वो मल्टीप्लाई करेंगे और उससे आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो उसको पहचानेगा और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा, ताकि जब नेचुरल इन्फेक्शन रोटा वायरस का आपकी बॉडी में जाएगा तो आपसे वो एंटीबॉडीज उससे रोकने में उसकी मदद करेंगे। अब सीवियर इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो इसकी जो एफिकेसी है वो तकरीबन 35-40% है और माइल्ड टू मॉडरेट को रोकने में इसकी जो क्षमता है वो तकरीबन 90% के आसपास मानी जाती है। तो अब इसके जो इंडिया में जो अवेलेबल है सरकारी सेक्टर में, जाहिर सी बात है ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो जो लोग सरकारी में लगा रहे हैं वो ज़रूर लगवाएं, और अगर सरकार में आपके बच्चे को किसी कारणवश नहीं लग पा रही है तो जाके आप प्राइवेट सेक्टर में भी इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं। एक डोज की कीमत रफली मैं समझता हूँ कि 700 से लेके 1100-1200 रुपए के आसपास आती, डिपेंडिंग अपन द आप किस कंपनी का लगवा रहे हैं। अब इसमें एक कंपनी है जो ग्लैक्सो कंपनी जो बना रही है, रोटारिक्स के नाम से बनाती है, उसकी सिर्फ 2 ही डोजेज रिकमेंडेड है, वो 2 महीने पे और 4 महीने पे रिकमेंड करते हैं कि आप 2 महीने के गैप पे वो आप 2 डोजेज दे देंगे। तो ये आपके रोटारिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये आप दे सकते हैं। इसके अलावा जो वैक्सीन अवेलेबल हैं, चाहे वो रोटा श्योर हो, रोटा टेक हो और दूसरी जो कंपनीज बना रही हैं, उसमें आपके 3 डोजेज रिकमेंडेड हैं। 3 डोजेज आप 6 हफ्ते यानी कि 1.5 महीना, 2.5 महीना और 3.5 महीने पे ये वैक्सीन आप दिए जाएंगे। और बहुत से लोगों को लगता है कि जब ये हम लोग रोटा वायरस की वैक्सीन पिलाते हैं तो उनको लगता है कि ये पोलियो ड्रॉप पिलाई जा रही है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जब आपके पेंटा के साथ जो दवा पिलाई जाती है वो रोटा वायरस वैक्सीन ही है, रोटा वायरस का इंजेक्शन नहीं आता, ये ओरल वैक्सीन है। ये पिलाने के ड्रॉप पे दिया थी छोटी सी शीशी और इसमें ये तकरीबन 5 से 6 बूंदों का ये होता है ये शीशी, और एक बार में ये पूरा ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये तो रोटा वायरस वैक्सीन के स्केड्यूल के बारे में है। अब ये कि अगर आपका बच्चा 15 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, यानी कि तकरीबन 3.5 महीना आप मान लीजिए, या आप समझे कि तकरीबन 4 महीने का हो गया है, तो फिर आपके बच्चे को और एक भी डोज उसको नहीं लगी है, तो फिर ऐसे बच्चे में रोटा वायरस की डोज नहीं लगाई जाती है। और यूजुअली अगर बच्चा आपका 8 महीने से ऊपर हो गया है, 8 महीने के बाद रोटा वैक्सीन की अगर आपकी डोज बची भी रह गई है तो वो नहीं दी जाएगी। इसीलिए रोटा वायरस के बारे में कहा, मान लीजिए आपने एक पहली डोज आपने लगाई थी जब बच्चा आपका 3 महीने का था, फिर आपने लगाई 5 महीने में और बीच में अब आपने मिस कर दिया, और अब आप 8.5 महीने पे या 9 महीने पे बच्चे को लेके जा रहे हैं,
तो उस समय उसको रोटा वायरस की वैक्सीन नहीं दी जाएगी। तो इसको याद रखिए कि रोटा वायरस की वैक्सीन अपने समय से ही देना उचित होगा, तभी उसका जो डिजायर्ड इफेक्ट हम चाहते हैं कि डायरिया को रोकने में वो कामयाब हो, तो वो समय से ही देना उचित है। और वो जाहिर बात है 6 हफ्ता, 10 हफ्ता और 14 हफ्ते की वैक्सीन के साथ दिया जाएगा। अगर आपने शुरू में नहीं दिया है तो 4 महीने के बाद आप इस वैक्सीन को कि प्राइमरी डोज फिर आप अवॉइड करेंगे और आप नहीं देंगे, क्योंकि आप फिर उसको टाइमली फिनिश नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने 2 डोजेस फिनिश हो गई हैं और आपका बच्चा 8 महीने से ऊपर हो गया है, तो आप फिर 8 महीने के बाद रोटा वायरस की वैक्सीन नहीं दी जाती है। अब आते हैं कि इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। मेन साइड इफेक्ट जो था शुरुआत में जो कहा जाता था कि इसको पिलाने से इंटरसेप्शन, यानी कि आते एक के ऊपर एक चढ़ जाती थी जिससे एक इमरजेंसी बन जाती थी और उससे बच्चों को ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती थी। वो ऑपरेशन, वो कॉम्प्लिकेशन अब ऑलमोस्ट रेयर हो गया। जो नई वैक्सीन आ रही है मार्केट में, इसमें ये इंटरसेप्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट में है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इंटरसेप्शन का कोई भी केस, मैंने पिछले अपने 10 साल से, हम लोग 10-15 साल से प्राइवेट सेक्टर में रोटा वायरस की वैक्सीन लगा रहे हैं, तो आई हैव नेवर सीन ए केस ऑफ इंटरसेप्शन इन माय कैरियर, और नाइदर आई हैव हर्ड अबाउट इट इन विद अदर डॉक्टर्स। तो ये बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन था, पहले ज़्यादा होता था, अब तो बिल्कुल रिपोर्टेड नहीं है। इसके अलावा जो है कि भाई बच्चे ने फौरन उल्टी कर दी है, बच्चे को माइल्ड से रैशेज हो सकते हैं, या उसको उससे थोड़ा बहुत एक बार लूज मोशंस या वॉमिटिंग के, इसके अलावा इसके कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं है। अब एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर बच्चे को आपने रोटा वायरस दिया और उसने तुरंत वोमिट कर दिया है, तब आप क्या करेंगे, आपको वो डोज रिपीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर डोज उसके निकालते ही आपने तुरंत वोमिट कर दिया है, तो मैं समझता हूँ कि वो डोज आपको रिपीट कर देना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 50-60% मेडिसिन उसमें निकल जाती है। हालांकि इसमें कुछ लोगों के मत डिफरेंट हो सकते हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि अगर आपने डोज पिलाई है और बच्चे ने वोमिट कर दिया है, तो अब आप उसको उसमें काफ़ी हद तक डोज चली गई है, और वो अगर वो प्राइमरी डोज है तो आप, क्योंकि अभी डोज सेकेंड डोज और थर्ड डोज भी मिलनी है, तो आप इसमें उसको रिपीट ना करें। बट मेरा अपना मानना है कि अगर उसने तुरंत दिया है और आपने उसने फौरन निकाल दी, तो जाहिर बात है 5 बूंदे हैं इसको निकलने में। इट इज़ बेटर टू रिपीट द डोज, जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत कॉस्ट का बर्डन पेरेंट्स के ऊपर आ सकता है, बट इन माय ओपिनियन एंड जो मैंने लिटरेचर चेक किया है, अगर उसने तुरंत कर दिया, 10-15 मिनट बात कर रहा है, तो उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। बट आपके देते ही तुरंत उसने सारी उल्टी कर दी है, तो इट इज़ बेटर टू रिपीट द डोज। तो ये तो हो गया रोटा वायरस वैक्सीन के बारे में। और अब हम लोग ये जानते हैं कि रोटा वायरस वैक्सीन अगर आपका मिस हो गया है, तो आप, जैसे कि मैंने बताया कि 8 महीने के बाद आप नहीं दे सकते हैं और 4 महीने के बाद आप प्राइमरी वैक्सीनेशन शुरू नहीं करेंगे। अब आते हैं इसकी, देने के बाद भी अक्सर लोग कंप्लेंट करते हैं कि साहब मैंने अपने बच्चे को रोटा वायरस वैक्सीन पिलाई थी, उसके बाद भी मेरे बच्चे को डायरिया के एपिसोड्स हो रहे हैं। तो इसमें यही मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, डायरिया के बहुत से अलग कारण भी हैं। कई वायरसेस हैं जो कि डायरिया कॉज करते हैं, कई बैक्टीरिया हैं जिसकी वजह से डिसेंट्री या डायरिया हो सकता है, साल्मोनेला है, शिगेला है, और भी वायरसेस हैं, फंगल हैं, जिस, तो मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आपके बच्चे को जो डायरिया हो रहा हो रोटा वायरस की वजह से ही हो। और इस ये बात तो ज़रूर देखी गई कि रोटा वायरस के वैक्सीन लेने के बाद आपके बच्चे को रोटा वायरस से सीवियर डायरिया नहीं होगा, उसको हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसकी उससे जान जाने की संभावनाएँ कम होंगी। वैसे भी आपने आजकल कोविड के ज़माने में आप देख ही रहे हैं कि कोई भी वैक्सीन दुनिया की 100% प्रोटेक्शन नहीं देती है, बट सीवियर डायरिया से 37% और माइल्ड टू मॉडरेट डायरिया से अराउंड 90% प्रोटेक्शन रोटा वायरस वैक्सीन देती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारे रोटा वायरस के बारे में हमारी आज की जानकारी। अभी अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो बनाऊं तो ये वीडियो आप तक पहुंचेगा। और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि हम लोग इस अवेयरनेस कैंपेन का हिस्सा बन सकें। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।